नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। मैं हूं प्रशांत रंजन। 23 सितंबर हिंदी साहित्य के जगत में एक खास दिन है, क्योंकि इस दिन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। आज स्वत्व के स्टूडियो में जो मेहमान हमारे बीच हैं, वो बहुत खास हैं, क्योंकि दिनकर जी से इनका सीधा संबंध है। आज हमारे स्टूडियो में है रामधारी सिंह दिनकर के पोते श्री अरविंद दिनकर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्वत्व के स्टूडियो में। अरविंद जी से जानने की कोशिश करेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर एक साहित्यकार के रूप में, उन पर बहुत सारी आलोचनाएं लिखी गई, उनके साहित्य पर, उनके काव्य पर, उनके महाकाव्य पर, उनके नॉन फिक्शन पर कई तरह की टिप्पणियां हुई, कई तरह के सेमिनार हुए, कई तरह के ग्रंथ लिखे गए। दिनकर एक कवि के रूप में, दिनकर एक शिक्षाविद के रूप में, दिनकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, दिनकर एक देशभक्त के रूप में सारी दुनिया के बीच जाने जाते हैं। हम आज आपके सामने दिनकर जी के कुछ दिलचस्प और रुचिकर पहलुओं को सामने लाएंगे। ठीक उनके सबसे नजदीकी लोग, उनके पोते की जुबानी। सर, सबसे पहले तो दिनकर जी के बारे में किताबों में लोग पढ़ते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, फिर उस किताबों पर जो लिखी चीजें हैं उसके बारे में लोग पढ़ते हैं। आप एक दादाजी के रूप में दिनकर और एक आम व्यक्ति के रूप में दिनकर को किस रूप में आप देखते हैं, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, स्वत्व के इस मंच से आपने अवसर दिया है, और मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि स्वत्व काफी आगे बढ़ रहा है, इसकी बढ़ोतरी से खुशी होती है। जी जी। तो ऐसा है कि व्यक्ति दिनकर और कवि दिनकर, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि वो मनसा वाचा कर्मणा एक ही व्यक्ति थे। उनकी जुबान पे जो सच्चाई होती थी वो कविता में भी प्रकट होती थी, और आवेश उनके जीवन का एक अंश था, जो कि ओज की कविताएं उन्होंने लिखी। ओज की कविता वही उनकी विशेष पहचान है। तो इस तरह बहुत फर्क नहीं था, लेकिन तब ये बात जरूर है कि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे और बच्चे थे, 10 साल 9 साल की आयु थी जब वो गुजरे। तो ये नहीं समझ में आता था कि एक इतने बड़े कवि के पौत्र हैं, एक सामान्य घरेलू वातावरण था और उसमें जीवन जीना होता था, और ये जरूर लगता था कि वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिनकी छत्र छाया में हम लोग हैं, उनका सम्मान भी बहुत था घर में, लेकिन ये नहीं समझ में आता था कि इतने बड़े कवि हैं, और बाद में जाके जो चीजें समझ में आएंगी उससे कितना कुछ अलग है वो। जी, दिनकर जी का जब देहावसान हुआ तो आपकी उम्र जाहिर सी बात है कि बहुत कम रही होगी, लेकिन फिर भी आपके अपने पिताजी और माताजी से जो दिनकर जी के बारे में कुछ दिलचस्प चीजें सुनी होगी, वो दर्शकों को बताइए। पहले मैं दो चार चीजें, एक दो बातें बताऊं कि उनको खाने पीने का बड़ा शौक था। अच्छा। और हमारे यहाँ जो परंपरा है, जो घरेलू खाना है, वो उनको बहुत पसंद आता था। मिठाइयों में जलेबी बहुत पसंद थी। अच्छा। और वो मधुमेही थे, डायबिटिक के पेशेंट थे, इसके बावजूद छुपकर मिठाइयाँ खा लेते थे और जलेबी खा लेते थे, या ऐसी बातें थी। घर में बना हुआ पुआ बहुत पसंद था। पुआ जो होली में बनता है हमारे यहाँ, या ठेकुआ जो छठ पर्व में बनता है, ये चीजें उन्हें खास तौर से लुभाती थी खाने पीने में। और भुंजा, जिसको चूड़े का फ्राई करके भुंजा, और इस तरह की चीजें भी उनको बहुत पसंद आती थी, फरी का भुंजा या चूड़े का, और उसके साथ कुछ चना। तो खान पान में भी भारतीयता थी, जलेबी हो, पुआ हो, भुंजा हो, तो भारत के कवि में भी भारतीयता थी और खान पान में भारतीयता थी। ये तो था जी। एक दिलचस्प किस्सा है, वो पोलैंड गए थे। अच्छा। तो पोलैंड में अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन में उनको भाग लेना था, और भारत के प्रतिनिधि बन के गए थे कवि की हैसियत से। तो वहां पे जब वो गए तो एक मिस कोई सज्जन थे अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन में, उन्होंने एक कविता पढ़ी कि, और उस कविता का आशय ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में आई और कैसे धीरे धीरे उसने अपना वर्चस्व फैलाया और पूरे भारत में छा गई,
भारतीयों की उपेक्षा हुई या जो इस तरह की बातें थी उसमें सटार था, व्यंग्यात्मक था काफी। तो मिस्टर ली शायद उन पोएट का नाम था। अच्छा। तो जब उन्होंने वो कविता समाप्त की तो बाबा ने खड़े होके कहा लाउडली, मिस्टर ली बेटर यू राइट अ पोएम डिपार्चर फ्रॉम इंडिया। अच्छा। तो वो कहीं डरने वाले नहीं थे और वो भारतीयता, ठस भारतीयता जिसको कहते हैं, वो उनके हावभाव में, जीवन में, उनके संघर्षों में परिलक्षित होता जो सच है वो बोल देना दिनकर की विशेषता थी। उन्होंने एक भी प्रसंग है कि नेहरू जी को भी बोल देते थे कि आप ये मत सोचिए कांग्रेस से आप उनको भेजे हैं तो मैं कुछ आलोचना नहीं करूंगा। नेहरू जी के लिए, पंडित जी के लिए रिगार्ड भी बहुत था। लोकदेव नेहरू किताब है और कई लोग मिसइंटरप्रेट करते हैं, लेकिन नीतियों के आधार पर उन्होंने आलोचना की है, व्यक्ति की आलोचना नहीं की। हालांकि परशुराम की प्रतीक्षा में जो उन्होंने लिखा है, तब कहो ढोल की ये पोल है, नेहरू के कारण ही ये सारा गंडगोल है। अच्छा। तो इस तरह की पंक्ति भी उन्होंने लिखी है। और अच्छा एक चीज, ये तो खैर नीतिगत बातें हो गई, छोटी छोटी बातें जैसे परिवार के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार था, अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार था, और जो बच्चे थे या फिर गांव के जो लोग थे उनके साथ दिनकर जी का कैसा व्यवहार था, क्या कुछ सुनने को मिला है आपके अपने माता पिता से? अपनी माँ जो एक, जब उनका निधन हुआ तो बाबा की माता जी जीवित थी। अच्छा। मनुरूप देवी जी, और 95 साल उनकी आयु थी उस वक्त में, 95-96 वर्ष की थी वो। तो बाबा अपनी माँ को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। जब वो 2 या 3 वर्ष के थे जी, तभी उनके पिताजी का निधन हो गया था, बाबू रवि सिंह जी का। तो माँ ने अपार संघर्ष करके, और सोचिए कि कैसी वो पूजनीय माँ है जिनके बेटे दिनकर जी जैसे व्यक्ति हूँ जी। तो बहुत संघर्ष, तो उनको मैयो कहते थे, मैयो बोलते थे। अच्छा। के हम लोगों की भाषा में। और बड़े भाई थे बाबू बसंत सिंह जी, उनके साथ दादा का संबंध था, दादा बोलते थे। छोटे भाई बाबू सत्यनारायण सिंह, तो सभी के साथ उनका एक बहुत ही निजी और आत्मीय संबंध रहता और बहुत ही निकट का संबंध रहता था। घर में कोई संकट आए या ऐसे भी, वो ये कहते थे कि मेरी बड़ी उपलब्धि ये नहीं है कि मुझे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, मैं संसद सदस्य हो गया जी, मैं दूसरे चीजों में, मैं साहित्य अकादमी मिल गया, मेरी बड़ी उपलब्धि ये है कि मैंने 10 बेटियों की शादी की है। अच्छा। और उसमें 6 भतीजियां थी, 2 उनकी बेटी थी और 2 जो है वो पोती थी मेरी बहने जी। तो हमारी जाति में थोड़ा मुश्किल होता है, लड़कियों का विवाह करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल कार्य है जी। और इसलिए ये चीजें वो कहते थे जी। अच्छा, एक दो चीजें और कि दिनकर जी का व्यक्तित्व एक साहित्यकार के रूप में तो विराट है और हर आने वाले समय में वो समीचीन रहेंगे उनकी रचनाएं ऐसी। एक कहीं ना कहीं आपके माध्यम से भी वो लीगेसी कंटिन्यू हो रही है, उनकी कृतियों के माध्यम से लीगेसी कंटिन्यू हो रही है। आज 21वीं सदी में 2019 चल रहा है, आगे आए तो क्या लगता है कि भारत के वर्तमान परिदृश्य को देखकर दिनकर जी कितना समकालीन है, कितना प्रासंगिक है आज के समय में? देखिए, एक तो दिनकर जी मात्र कवि नहीं है जी। एक आप जिसको कहते हैं राष्ट्र पुरुष या राष्ट्र निर्माता के तौर पे भी उनको देख सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर से भारत ही प्रस्फुटित होता है जी। मुख्य स्वर भारत का है, भारत की जनता का है। तो ये अब ऐसा अगर कोई दुर्दिन आ जाए कि कविता ही न रहे, तब तो प्रासंगिकता की बात शंकास्पद है जी। लेकिन अगर कविता है तो दिनकर तब तक प्रासंगिक है, तब तक दिनकर रहेंगे। अच्छा, एक दो चीज और, हम सब दिनकर को पढ़ते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद की पुस्तकें होती हैं, आपकी बाबा की कौन सी पुस्तक या कौन सी रचना सबसे अच्छी लगती है, आपकी पसंद की बात?
देखिए बचपन में के दिनों में जी वो कहते थे कि अच्छा एक कविता याद करके सुनाओगे तो एक रुपया मिलेगा, अच्छा, या 50 पैसे मिलेंगे उस दौर में जी। तो हम लोग सब कविताएं याद करने में लग जाते थे। उसी दौरान मैंने उनको नील कुसुम कविता याद करके सुनाई थी। नील कुसुम जिस डायमेंशन की कविता है और इतनी उसका विराट फलक है जी। वो 9-10 साल का 8 साल का बच्चा याद करके और उनको सुना रहा है, लेकिन वो प्रसन्न होते थे और हम लोगों को पैसे देते थे या कुछ मिठाइयाँ खिलाते थे, अच्छा। ऐसा कुछ तो उस दौरान मुझे नील कुसुम याद हो गए। बाद के समय में रश्मि रथी पढ़ना शुरू किया, तो रश्मि रथी का ऐसा रश्मि रथी तो लगता है ग्राम काव्य में भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्यों में हो, तुलसीदास जी के बाद शायद सर्वाधिक लोकप्रिय कृति हो रश्मि रथी, और वो जुबान पे चढ़ गई जी। पर जो फिर और जो कृतियां उनकी पढ़ी जैसे उर्वशी है या कुरुक्षेत्र है और उसके बाद जो परवर्ती दिनकर है जिसमें कोयला और कवित्व है, जिसमें सीपी और शंख है, जिसमें की आर्य को हरिनाम की कविताएं, वो कविताएं बहुत ही सुकून देने वाली कविताएं, आध्यात्मिक है और मुझे लगता है कि बहुत ही श्रेष्ठ और परिपाक पे पहुंची कविताएं, मतलब एक पहुंचे हुए कवि की साधना की सृष्टि है वो जी। तो ये जो दिनकर जी की प्रासंगिकता है आज भी है, पहले भी थी, आने वाले समय में भी रहेगी, और हम सब का दायित्व है कि दिनकर जी की लिगेसी को आगे बढ़ाएं। अभी हम बात कर रहे थे रामधारी सिंह दिनकर के पौत्र अरविंद दिनकर जी से, और हमने जानने की कोशिश की किस प्रकार से दिनकर जी का एक अलग व्यक्तित्व, एक अलहदा व्यक्तित्व था जो न सिर्फ उनके जीते जी बल्कि उनके आने वाले समय और आज के बाद के भविष्य में भी उनकी प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी। साहित्य और कला से संबंधित तमाम तरह के अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए स्वतः समाचार। धन्यवाद।